भिलाई में संचालित एक निजी अस्पताल में मरीज के परिजन ने जमकर तोड़फोड़ और स्टाफ के साथ मारपीट की। मरीज के बेटे राकेश यादव ने बताया कि उसके पिता को नागपुर ले जाना है। आरोग्यम के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, इसके बाद भी वो उन्हें समय पर डिस्चार्ज नहीं कर रहे। इससे आक्रोशित होकर उसने ऐसा किया है। पीड़ित ने बताया कि अगर मरीज को लेकर किसी डॉक्टर या स्टाफ से बात करे तो कोई भी ढंग से बात नहीं करता है और ना ही सलाह देता है। वही इस मामले पर अस्पताल के पीआरओ जसविंदर सिंह ने बताया कि मरीज के परिजन ने शराब के नशे में हंगामा और तोड़फोड़ किया है। हमने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। वही इस मामले में दुर्ग जिला नर्सिंग होम एक्ट नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला ने कहा कि मामले की जानकारी उन तक पहुंची है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद कार्यवाही की जाएगी। मैं राजनांदगांव से हूँ। मेरे पिताजी राजनांदगांव से यहाँ एडमिट किया था किसी किडनी प्रॉब्लम में थी करके। फिर 10 दिन तक यहाँ पर ट्रेडलेट कम है करके बताया, ट्रेडलेट का ऑप्शन बढ़ा, इसमें सब कुछ सही हुआ। उसके इन्हें वहाँ पर कुछ प्लेटलेट कुछ डाले तो उसका प्रतिशत बढ़ते गया। उसके बाद जैसे डॉक्टर से हमने मिले ऑपरेशन करने के बाद, उनसे क्या बोले कि यहाँ से आप डिस्चार्ज कर लो और अपने परिवार को बुला लो घर के, और आपके पीछे पिताजी की बचने की स्थिति बहुत नहीं के बराबर, 8-10 दिन जी गया तो बहुत बड़ी बात है करके। तो हमने बोला ठीक है सर, हमने नागपुर में दूसरी जगह डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए। डॉक्टर ने हमको ये बोला कि आप 3 बजे तक नागपुर ले आइए करके। हमने नागपुर ले जाने के लिए वहाँ अपॉइंटमेंट लिए, डॉक्टर सब कुछ किए सुबह डॉक्टर से, और रात में हमने तुरंत हमने यहाँ से डॉक्टर से बात किए कि हमको डिस्चार्ज सुबह कर देना करके, तो ठीक है हम कर देंगे बोले। उसके 11 बजे राजनामा यहीं पर था, मैं डॉक्टर आए नहीं है, ये नहीं आया वो नहीं आया, फलाना ठिकाना करते रहे। उसके आरके साहू 12:30 बजे करीब आए, डिस्चार्ज पेपर बना के दिए और फिर बोले बिलिंग का टेंशन मत लो, 5 मिनट में बिलिंग हो जाती है बोले। और ये बिलिंग की स्थिति क्या हो गया, 3-3:30 बज चुकी है, कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। मैं इतना परेशान हूँ और वहाँ डॉक्टर से फोन पे फोन आ रहा है, डॉक्टर वहाँ बैठा हुआ है और 5 बजे निकल जाएगा, मैं डॉक्टर को कैसे दिखाऊँ और क्या करूँ। और इन्हें यहाँ पर जवाब दे चुके हैं कि पिताजी की आपकी स्थिति नहीं है बचने की और कभी कुछ भी हो सकता है। तो मैंने अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने की कोशिश की हूँ, लेकिन ये वो डिस्चार्ज कर नहीं रहे हैं, अपनी बिलिंग बढ़ा रहे हैं, मैं परेशान हो गया हूँ। और जब से डिस्चार्ज किया उसके बाबूजी को जो दवाई चाहिए वो दवाई भी नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि डिस्चार्ज कर दिए तो लेट हो रहे थे उनको दवाई दे, उनको कुछ भी जवाबदारी नहीं। मैं परेशान हो गया, वापस अभी नानगढ़ आया हूँ और ये स्थिति मेरी स्थिति पैदा हुई है। अभी आप लोगों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से जो संज्ञान में आई ये बात कि वहाँ पे कोई मरीज भर्ती था जिसके पिताजी भर्ती थे, 70 वर्ष उनकी उम्र थी लगभग, और किडनी के प्रॉब्लम के रिलेशन में वो शायद राजनांदगांव के रहने वाले थे, यहाँ पे बेहतर इलाज के लिए एडमिट किए थे। लेकिन जो घटनाक्रम हुई है मारपीट की, जो वीडियो क्लिप आप लोगों के माध्यम से देखने को मिली है, उससे प्रश्न दिशा में यही है कि इसकी पूरी एक जाँच कमेटी बना करके इसकी जाँच कराएंगे टीम के माध्यम से। और जैसे ये संज्ञान में आया हमने तत्काल जो है, क्योंकि कल संडे है, परसों जो है एक टीम गठित करके वहाँ जाएगी, उसकी पूरी जांच करेगी और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी एक्ट के तहत वो हम बिल्कुल करेंगे। क्योंकि लगातार आरोग्यम हॉस्पिटल की शिकायत लगातार मिल रही है, 104 जो फ्री टोल जो शिकायत है उससे भी मिल रही लगातार शिकायत, हमने नोटिस दिया हुआ है और संभवतः सोमवार को हम इसमें नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।